हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का ऑनर्स व्यू लेके। दोस्तों कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ, बहुत दिन से जैसे चुपचाप रहते रहे ऐश्वर्या और अपना नील दोनों बड़े बातें कर रहे होते हैं, इन दोनों में आपस में बहस हो रही होती है। वो कह रहे तुम मेरी बात सुनते रहे, हम यहाँ पे एक बॉन्डिंग करके आए। कह रहे मैं तेरे वही तो समझा रहा हूँ कि भी तू उनको बोल लिया है। वो कहती मैं कैसे बोली जाऊँ, हर चीज़ में तू मेरा साथ नहीं देता, तू अपना लगा रहता है। जो लड़ाई अपना कहते हैं अंकिता और विक्की में देखने को मिली थी, वो कल नील और उसमें ऐश्वर्या में देखने को मिल रही थी। तो दोनों की एक अच्छी खासी बहस वहाँ पे चल रही थी इस चक्कर में कि भी वो है। दूसरी साइड जो ऐश्वर्या ने अपना विक्की भाई उसको बोल दिया था तहलका को कि भाई तूने ये है मेरे से बोल मत, मैं फट जाऊंगा, ये उन्होंने बहस बजी थी। यहाँ पे अरुण लगा हुआ था उसको समझाने भी, तू उसके बाद में उसको जवाब देना चाहिए था, उस टाइम तूने जवाब क्यों नहीं दिया, ये चीज़ उसी टाइम तुझे क्लियर करनी चाहिए थी। इतने में बिग बॉस ने सबको लिविंग रूम में इकट्ठा कर लिया। बिग बॉस ने बोला तुम सबका चौपाल में स्वागत है भाई, मैंने तुम्हारा सब कुछ करके देख लिया, तुम्हारे रूम भी चेंज कर लिए, तुम्हें ये भी बोल दिया, तुम्हें ये करने भी दे दिया, हर चीज़ करके देख लिया, कोई तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये है कि भाई जो तुम सोच रहे थे भी किचन एरिया में ज़्यादा टाइम रखेंगे तो हमारी ज़्यादा फुटेज मिलेगी हमें, अब किचन एरिया सिर्फ 3 टाइम खुलेगा, 24 आवर्स वहाँ पर नहीं खुलेगा। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए 2 घंटे, उसके बाद लंच के लिए 3 घंटे और उसके बाद डिनर के लिए 2 घंटे। इन्हीं में तुम सबको पूरे तीनों घर वालों को बनाना पड़ेगा और तीनों घर वाले अपना अपना खाना खुद बनाएंगे, कोई एक दूसरे खाना यहाँ पे नहीं बनाएगा। बस अब बिग बॉस अकॉर्डिंग टू हो ही गया था कि गैस लिमिटेड खुलेगी, 24 आवर्स किचन नहीं खुली रहेगी, तो भगदड़ मची हुई थी। उसके बाद अंडे, अब सबसे बड़ी दिक्कत अंडे की है। अंडे की तो हर बार बिग बॉस में अंडों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं भाई, तेरे 6 अंडे, तेरे 11 अंडे, तेरे 12 अंडे, अलग घर वाले अंडे अपने अलग अलग अंडे कर लो, इसके से इतने अंडे आएंगे तो अंडों पर बहस हो जाती है। मतलब अंडों पर इतनी ज़्यादा बहस होती है, तो हर बार बिग बॉस में होती है। उसका विक्की हर जिसे कहते हैं ना हर कोने में जाके, अब नॉमिनेशन हो चुकी है, जो नॉमिनेशन में हो जाए तो 3 दिन है, 3 दिन में जो इतना फट सकता है फट ले, हर एक को अपनी राय देता रहता है। विक्की को ये सिर्फ राय अंकिता को देने के लायक लायक कोई नहीं होती, उसे सिर्फ बहस करता है भाई, सबको राय देता फिरता हुआ है। और अंकिता इसी के से जलस करती है कि भाई ये हर एक के भी जाता था, मेरे पास क्यों नहीं आता। दूसरा मुनव्वर और अपना जो मनारा है, इनका आपस में रिलेशन एक ऐसा है, नाराज भी हो जाते हैं, मन भी जाते हैं, फिर भी करते रहते हैं। अब किचन एरिया के अंदर टाइम कम मिलेगा, बनेगा नहीं तो ओवियसली खाना बनेगा नहीं, फिर बहसबाजी लड़ाई शुरू हो रही है कि मेरा नहीं खाना बना, इसका नहीं बना, हमारी रोटियां नहीं बनी, हमारी सब्जियां नहीं बनी, ये वो। फिर आपस में प्यार जगत आते हैं, अच्छा हमने मान गया तुम ये ले लो, हम ये शेयर कर लेते हैं, हम वो शेयर कर लेते हैं, आपस में खाना शेयर करने लगे। इतने बिग बॉस ने फिर अनाउंसमेंट कर दी। बिग बॉस कहता है भाई ये ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बहुत अच्छा भाईचारा है, बहुत बढ़िया, मोहल्ले में भाईचारा होना चाहिए, आपस में शेयर कर रहे हो, अच्छा तो ऐसा कि अब ऐसे करते हैं कि आपसे किचन सिर्फ भाई एक और उस रेट किचन आर्स और कम कर दिए कि भाई उसके हिसाब से चलेंगे यहाँ पे, अब तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए, तो आर्स कम कर दिए। उसके बाद जब आर्स कम हो गए तो ये ओवर और स्मार्ट अंकिता फटाफट एक रोटियाँ बेल रही थी, अंकिता कोने खड़े हो गए कि मैं रोटियाँ पहले बेल लेती हूँ, जब टाइम आएगा फटाफट बना लूँगी। बस बिग बॉस ने फिर बोल दिया कि भाई अंकुर जी कितना टाइम लगता है जिगना जी ये रोटियाँ बेलने में, ये जो 10-12 कह रही सर 10-15 मिनट में हो जाता है। ठीक है बिग बॉस, ठीक है कोई बात नहीं, अब ऐसे करते हैं जो तुम्हें 1 घंटा मिला था 15 मिनट और कम मिलेंगे। अब पूरे घर के लिए जब भी रसोई खुलेगी टोटल सिर्फ 48 मिनट्स मिलेंगे खाना बनाने के लिए, उसी में तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें खाना गैस और किचन एरिया काम नहीं कर सकते। उसके अंदर इसी पर डिस्कशन चल रही थी जहाँ पे मनारा बैठी डिस्कस कर रही थी, यहाँ पे अंकिता आगे बोल देती है। अंकिता एक बड़े मतलब अच्छे वैसे बोलती है कि भाई मैं तुम समझाती हूँ, ऐसा ही करेंगे, ये खाना बना लेंगे, सबका खाना बन जाएगा, लेट ना, चलो ये तो बच्ची है इसे तुम समझा देना। अब बोलती वो ऐसे बच्ची की तरह है, वो बस वो इसी होती है, मनारा मुझे उससे बच्ची बोला, मैं कोई बच्ची हूँ, मैं सब कुछ काम कर लेती हूँ, मैं इतने कंट्रीज में घूम लेती हूँ, अकेले प्लेन में विजिट करती हूँ, मैं कोई बच्ची हूँ, बस वो उस वर्ड को लेके कि मैं कोई बच्ची हूँ वो लेके पूरे घर के अंदर बवाल इकट्ठा कर देती है। ये हर मेरे को बोल रही है अंकिता मैं बच्ची हूँ, ये क्या मतलब होता है, मैं बच्ची थोड़ा कोई हूँ, ये है वो है, वो बच्ची वर्ड को लेके रोना पिटना शुरू कर देती है और रो भी पड़ती है। उसके बाद वहाँ पे समझाने आती है खानजादी को भी लड़ पड़ती, बहस कर देती है, नहीं तुम मेरे से बात मत कर, उसने बच्ची कैसे बोला मेरे को। अंकिता भी आगे बोल देती है, अंकिता को भी सब बोलने ले जाती है, तो इस बच्ची की वर्ड को लेकर बहुत सारी बहस कल घर में शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये तो कल था कल का एपिसोड, आज जो एपिसोड आएगा आज मुनव्वर और खानजादी के अंदर फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये दोनों का वही सीन है, वही बनारा का सीन है, आपस में लड़ते हैं, मनाते हैं, फिर बाद मिल जाते हैं, फिर सॉरी बोल देते हैं, कोई ना कोई चीज़ें बहस करते रहते हैं। उसके बाद कल जो अंकिता ने फड्डा किया था कि उसको बच्ची बोल दिया था, आज उस पर फिर बहसी हो जाएगी दोबारा से बच्ची को लेके। यहाँ पे अंकिता कहती है मैंने जैसे नहीं बोला, बाकी भी समझाते हैं उसको,
अब बना रहा है, क्योंकि उसने अंकिता का ये पर्पस नहीं था बोलना कि क्योंकि बच्ची है तो उसे बताना नहीं है, उसने वैसे ही बोला है बच्ची है ये, तो ऐसा कोई पर्पस नहीं करती, मैं बच्ची हूँ कोई है बस। आज फिर वो फटी होती है, इसने मैं अंकिता बोल देती है जो करना कर ले, ये सब मेरी बच्चियाँ हैं कर जो करना है, वो ओपन खुले में आ जाती है, कह रही ठीक है इनको सबको अडॉप्ट कर लेना, ये बच्ची है तेरी तो ये भी बच्ची है ये भी बच्ची है। तो इस बच्ची बच्ची में आज मनारा की और अपना क्या कहते हैं अंकिता की फिर लड़ाई देखने को मिल जाएगी। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस को ऑनर से लेके। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए माया प्रिकट।